तो आज की वीडियो है कुवारा वेब सीरीज़ के ऊपर, जो कि प्राइम शॉर्ट्स ऐप पे रिलीज़ हुई है। वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हम शुभम और उसके दोस्त को देखते हैं। यहाँ शुभम किसी लड़की से मिलने जा रहा होता है। शुभम जिस लड़की से मिलने जा रहा होता है, इस लड़की का नाम रिया है, जो कि शुभम से मिलते ही उसे कहती है कि उसे वो पसंद है और वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। जिसे सुनकर शुभम कोई बहाना बनाकर अपने दोस्त के पास वापस आ जाता है और उसे कहता है कि रिया तो उसके साथ ज़िंदगी बिताने की बात कर रही है, उसे उसके साथ डेट नहीं करनी है। जिस पे उसका दोस्त उसको वापस भेजकर उसे मना करके आने को कहता है। लेकिन जब शुभम रिया के पास जाता है तो रिया उसे बताती है कि उसका कोई बीएफ नहीं है और वो अभी तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई है। जिसे सुनकर शुभम काफ़ी खुश हो जाता है और बाहर आकर अपने दोस्त को बताता है कि रिया इससे पहले कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई है और अब उसे वो डेट करेगा। और शुभम और रिया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और एक दूसरे के साथ घूमना शुरू करते हैं, जिसके कुछ दिन बाद शुभम रिया को एक होटल के रूम में ले जाता है, जहां जाकर रिया को अजीब लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि शुभम यहां उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। इसलिए वो शुभम को मना करती है और कहती है कि वो उसी के साथ इंटीमेट होगी जिसके साथ वो शादी करेगी। और शुभम वापस अपने दोस्त के पास आ जाता है, जहां उसका दोस्त उसे रिया को फ़ोन मिलाकर शादी के लिए हाँ करने को बोलता है। और जैसे ही शुभम शादी के लिए हाँ बोलता है, रिया उसे अपने घर बुला लेती है, जहां पहुंचने के बाद शुभम रिया से उसके मोमो डैड के बारे में पूछता है, जो कि घर में नहीं होते हैं। और रिया शुभम से कहती है कि उसने उसके साथ शादी के लिए हाँ इसलिए की ना क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन इस पे शुभम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और कहता है कि अब से वो इंटीमेट होने की कोई बात नहीं करेगा। और इस पे रिया उसको किस करती है और अपने बेडरूम में ले जाती है, जहाँ दोनों इंटीमेट होने की तैयारी करते हैं। जिससे पहले शुभम किचन में जाकर ऑयल यूज़ करता है और शुभम की किचन से चीख की आवाज़ आती है और वो रिया के बेडरूम में आकर वॉशरूम का पूछता है। और वॉशरूम से बाहर आने के बाद कहता है कि ऑयल में ऐसा क्या था कि उसे जलन होने लग गई है। और जिस पे रिया उसे कहती है कि कहीं उसने बॉल में बड़ा ऑयल तो यूज़ नहीं कर लिया, जिस पे शुभम हाँ कहता है। और रिया कहती है कि उसमें उसने लास्ट नाइट चिकन फ्राई किया था। रिया दोबारा शुभम के करीब जाने लगती है, लेकिन शुभम कहता है कि वो अब उसके साथ इंटीमेट होने की हालत में नहीं है और वो वापस अपने दोस्त के पास आ जाता है, जहां उसका दोस्त उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि तुझसे कुछ हुआ ही नहीं। और शुभम दोबारा रिया के पास जाता है और फिर उसे किस करने के बाद उसके साथ इंटीमेट होता है और इंटीमेट होने के बाद कहता है कि उसने उसे शादी के लिए इसलिए बोला था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। जहां शुभम से रिया कहती है कि अगर उससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो वो कर सकता है। और शुभम अपने दोस्त के पास आकर उसे बताता है कि वो रिया से शादी करेगा। और हमें 4 मंथ बाद दोनों की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहां सुहागरा से पहले रिया की सास उसे एक सफ़ेद कपड़ा देती है और कहती है कि ये उनके यहाँ का रिवाज है कि इस कपड़े पे सुबह खून होना चाहिए। शुभम अंदर आता है और रिया उसे कपड़े वाले रिवाज के बारे में बोलती है, जिस पे शुभम कहता है कि वो उस पे रेड सॉस लगा देगा। और फिर दोनों अपनी सुहागरात मनाने लगते हैं। सुहागरात के बाद शुभम अंधेरे में किचन में जाकर सफ़ेद कपड़े पे सॉस गिरा देता है, लेकिन सुबह उठकर शुभम की माँ उस पे गुस्सा होती है और उसे बुलाती है क्योंकि शुभम ने रात को अंधेरे में कपड़े पे रेड की जगह ग्रीन सॉस लगा दी होती है। जिस पे शुभम कहता है कि खून लगा होने से कुछ नहीं होता है, ये सब पुरानी सोच है। जिसे सुनकर उसकी माँ खुश होती है और कहती है कि वो उसके मुँह से यही सुनना चाहती थी। सीरीज़ के लास्ट में हम रिया को अकेले बैठकर फ़ोन पे बात करते हुए देखते हैं, जहां वो कहती है कि शादी से पहले उसने जमकर मज़े किए और शादी के बाद वो शरीफ बन गई।
और उसे ये सब बोलते हुए शुभम और उसकी माँ सुन लेती हैं, जो उसके रूम में आ जाती हैं और सीरीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप ये सीरीज़ प्राइम शॉर्ट्स ऐप पे जाकर देख सकते हैं और ऐसी ही और वेब सीरीज़ की अपडेट्स और रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।